ये वही नोटबंदी का निर्णय कि आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ। मैं यही बात करने वाला हूँ कि शूटिंग द मैसेंजर कब तक पक्ष हो या विपक्ष, जो कड़ सच्चे सवाल पूछता है सरकार से, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट डलवा दी जाती है। ये न्यू इंडिया है क्या? इसे न्यू इंडिया कहा जाता है क्या? इस भारत को सबका साथ सबका विकास या सबका विश्वास की बात की जाती, क्या ये भारत की परिकल्पना हमारे लोगों ने की थी? मुझे तो लगता है, और देश के अधिकांश लोगों को लगता होगा, कि ऐसे भारत की परिकल्पना हमने नहीं करी। याद रखिए, ये नोटबंदी वही निर्णय है जिसके कितनी बार गोल पोस्ट चेंज हुए। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पहले बताया गया सरकार की ओर से कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपये वापस ही नहीं आएंगे, जबकि 99% से ज़्यादा नोट वापिस आ गए। फिर बोला गया कि जाली नोट पकड़ लिए जाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, RBI का डेटा है, मात्र जितने नोट वापिस आए उनमें से मात्र 0.0013% फेक करेंसी निकली। तो पहले बोला गया ब्लैक मनी नहीं आएगी, फिर बोला गया कि जाली नोट नहीं आएंगे, फिर उसके बाद बोला गया कि आपका टेररिज्म और नक्सलवाद में इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, फिर बोला गया कैश लेस हो जाएगा, फिर बोला गया लेस कैश हो जाएगी। इकोनॉमी कुछ नहीं हुई। इकोनॉमी आज हकीकत ये है कि Q1 में -23.9% के कॉन्ट्रैक्शन पे है इकोनॉमी। और अगर आप किसी भी जानकार व्यक्ति को, जो कि अर्थशास्त्र में ट्रेंड हो, और वो ट्रेनिंग नागपुर के विद्यालय वाली ट्रेनिंग नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके विद्यालय की ट्रेनिंग तो नोटबंदी करती है, उनसे पूछेंगे तो इसकी शुरुआत, जो आज भारत की अर्थव्यवस्था है, उसकी शुरुआत नोटबंदी से हुई। और हमने बार बार कहा कि ये नोटबंदी का कार्यक्रम नहीं है, ये नोट बदली का कार्यक्रम है, ये ब्लैक टू व्हाइट का कार्यक्रम है, ये ब्लैक मनी को व्हाइट करेंसी में, व्हाइट मनी में बदलने का कार्यक्रम है। हमने कई बार इसी पटल से, हमने बार बार सरकार से सवाल पूछे। हमने ये सवाल बार बार पूछा कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ADCB, जिसमें आज भी टिल डेट माननीय होम मिनिस्टर उसके डायरेक्टर है, और वो उस बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे कोई ज़माने में, उसने नोटबंदी के मात्र पहले 5 दिनों में 745 करोड़ रुपए की अदला बदली करी उस बैंक ने, और उस 5 दिनों बाद रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया कि ये बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, इस तरह का नोट बदली का कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमने इसी पटल से सवाल पूछा था सरकार से कि गुजरात के 11 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जो जिसमें कि BJP के लीडर्स जिसको हेड करते हैं, उन बैंकों ने मात्र 5 दिनों में, जब से नोटबंदी हुई उसके 5 दिनों में 3,118.51 करोड़ रुपए की अदला बदली हुई। उसका कोई जवाब नहीं मिला। और ऐसा ही सवाल एक इनकम टैक्स अधिकारी, भूतपूर्व इनकम टैक्स अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी सूरत के उपाध्यक्ष ने ऐसा ही सवाल सरकार से पूछा। उन्होंने पूछा कि एक सूरत के प्रतिष्ठित ज्वेलर का नाम भी उन्होंने कोट किया, डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने सारे दिखाए। उन्होंने ये पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि जब नोटबंदी का निर्णय लिया गया उस रात मात्र 8:30 से 12 बजे के बीच, 8:30 to 12 o'clock on 8th November, 96.3 करोड़ की सेल कैसे हुई? सिर्फ 3.5 घंटे में एक सूरत के ज्वेलर ने, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी सूरत के जिला के उपाध्यक्ष ने सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी से कि मात्र 3.5 घंटे में 96.30 करोड़ रुपए की सेल कैसे हो गई? और इस ज्वेलर की आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस ज्वेलर की अगर मैं टोटल सेल अगर पूरे साल की देखूँ तो 1300 करोड़ रुपया। अगर मैं साल में मान लूँ कि 350 दिन दुकान खुली रखते होंगे ये ज्वेलर, तो इनकी एक दिन की सेल होती है 3 से 4 करोड़ के बीच, और उस दिन मात्र 3.5 घंटे में 96 करोड़ 30 लाख रुपीज़ की सेल कैसे हुई?
और वहीं वहीं ये इनकम टैक्स के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सूरत इकाई के उपाध्यक्ष नहीं रुके, उन्होंने पूछा कि 96,30,00,000 की सेल 3.5 घंटे में दिखाने के बावजूद मात्र, और ये गौर करने वाली बात है, मात्र 80,00,000 का टैक्स भरा गया और सेटलमेंट कमीशन कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। उन्होंने पूछा कि ये नोटबंदी है या नोट बदली है, जो कि हम पिछले 4 साल से, क्योंकि चौथी बरसी आने वाली है नोटबंदी की, मात्र 2 सप्ताह बाद चौथी बरसी आने वाली है। उन्होंने पूछा ये बात कि ये नोटबंदी कार्यक्रम में 96,30,00,000 की सेल 3.5 घंटे में जिस ज्वेलर ने दिखाई उसको, उसका सेटलमेंट हो गया मात्र 80,00,000 के टैक्स पर। ये कौन सा न्यू इंडिया है? मैं खुद इनकम टैक्स का विद्यार्थी रहा हुआ हूँ, अच्छी खासी इनकम टैक्स की समझ मुझे है, मैंने तो कोई टैक्स का ऐसा प्रोविज़न नहीं पढ़ा जहाँ पर 80,00,000 में ये सेल सेटल हो जाती है। मैंने तो आज तक किसी देश का ऐसा इनकम टैक्स का प्रोविज़न नहीं देखा जहाँ पे 96,30,00,000 की सेल्स 80,00,000 के टैक्स में सेटल हो जाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।